Our grammar topic for today is parts of speech. So there are 8 parts of speech with us. What are those? Nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. So nouns क्या होते हैं, pronouns क्या होते हैं और पूरे parts of speech क्या होता है, अब हम वो discuss करने जा रहे हैं. So what are nouns? Words that describe name of particular place, person or thing. उन वर्ड्स को हम नाउंस कहते हैं जो कि किसी इंसान, किसी भी जगह और कोई भी चीज के पर्टिकुलर नेम को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, नाउंस. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउंस, कॉमन नाउंस एंड प्रॉपर नाउंस. कॉमन नाउंस मींस बॉय, गर्ल. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन. अब इनका हम सेंटेंस देखेंगे कैसे बोल सकते हैं. जैसे द टीचर इज टीचिंग वन बॉय, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि उसने बॉय का पर्टिकुलर नेम नहीं बताया है. यही अगर वो बोलती राम इज स्टडिंग, तो राम हमारा वहां पे क्या हो गया, नाउन. बट कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन. ऐसे ही अनदर एग्जांपल क्या हो सकती है हमारी, लंदन. जैसे कि ये किसका, कौन सी जगह का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है. नेक्स्ट इज प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस. उन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं जो हम नाउंस की जगह पे यूज करते हैं. जैसे कि ही, शी, इट, दे. अब आपको याद होगा स्कूल टाइम में हमें ऐसे वगैरह बोलने के लिए बोलते थे, ठीक है. जैसे माय फादर, तो हम फर्स्ट लाइन में बोलते थे माय फादर्स नेम इज. उसके बाद हम बोलते थे ही इज वेरी टॉल. तो ही हमने वहां पे क्या किया था, अपने फादर के पर्टिकुलर नेम की जगह पे यूज किया था. तो ही क्या हो जाता है हमारा प्रोनाउन, जो हम यूज करते हैं नाउंस की जगह. नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं या फिर उन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं जो कि एक्टिविटी बताते हैं. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्टिविटी. किसकी एक्टिविटी, नाउन या फिर प्रोनाउन की. फॉर एग्जाम्पल राम इज राइटिंग. राम यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन. तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, क्या काम कर रहा है राम, राइटिंग, लिखने का. तो राइटिंग हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब. नेक्स्ट क्या है हमारा, एडवर्ब्स. एडवर्ब्स कौन से वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स दैट क्वालिफाई वर्ब्स. क्वालिफाई मीन्स जो क्या बताते हैं, क्वालिटीज. किसकी, वर्ब्स की, ठीक है. उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल राम इज राइटिंग नीटली. अब राम क्या है, नाउन. राइटिंग क्या है, कि जो राम एक्टिविटी कर रहा है. अब वो राइटिंग कैसी कर रहा है, हमें कौन सा वर्ड बता रहा है, नीटली. तो नीटली राइटिंग की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए नीटली क्या है, एडवर्ब. अब एडवर्ब्स ने क्वालिफाई किया वर्ब्स को. नाउन्स और प्रोनाउंस को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव. वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस. क्वालिफाई मींस अगेन क्वालिटी. ही इज अ टॉल बॉय. अब ही क्या है, प्रोनाउन. बॉय क्या है, कॉमन नाउन. अब इन दोनों की विशेषता, क्वालिटी कौन बता रहा है, कौन सा वर्ड, टॉल. तो टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, अब वर्ड प्रेपोजिशन से ही क्लियर हो रहा है कि हमें किसी चीज की पोजीशन पता लगेगी. वर्ड्स दैट टेल पोजीशन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस. अब जैसे कि एग्जांपल इन, ऑन, ऑफ, एट, बिसाइड, अलोंग विद, बिहाइंड, ऑल दीज वर्ड्स आर योर प्रेपोजिशंस. सेंटेंस में अगर इसकी यूजेज देखें तो क्या बन सकता है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर बैठी है. तो ये किससे पता लग रहा है हमें, ऑन वर्ड से. नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस. इनको हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और लिंकिंग वर्ड्स. क्या होती है कंजंक्शंस, वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. जो वर्ड्स, दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जॉइन करें, उन्हें हम कंजंक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, Neither nor, ये सब आपके वर्ड्स जो हैं कंजंक्शंस हैं, ठीक है. जैसे कि अब एग्जांपल ले तो कैसे बन सकता है, राम इज गोइंग टू मार्केट. अनदर सेंटेंस इज श्याम इज गोइंग टू मार्केट. इनको अगर मैं इकट्ठे बोलूं तो क्या बना सकती हूँ, राम एंड श्याम बोथ आर गोइंग टू मार्केट. तो एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन. लास्ट इज इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब फीलिंग्स और इमोशंस. वो वर्ड्स जो हमारी भावनाओं को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रावो, वो, हुरे, अलास, एक्सेट्रा. अब इनको पहचाना कैसे जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ. ठीक है। लास्ट वर्ड जो है आपका वो सैड इमोशन, उदासी वाला इमोशन बताता है। इसको अगर हमने सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं? ब्रावो, वी वोन दी मैच, कि बहुत खुश है हम कि हम मैच जीत गए। So that's all about your parts of speech.